एक बहुत बड़े शायर हैं पंजाब में, उनकी एक कविता याद आ गई। देखना चाहती थी अपने आप को आर पार, आज देखा, आज जज्बात निकल कर बाहर आ गए। अब ये जो तेल है ना, अब ये तेल ऐसे डलेगा। आज अगर मेरे को बोले मेरे पास वसीयत में क्या अपनी औलाद को देके जाने के लिए, तो अपनी सारी रेसिपीज दे जाऊंगी, बोलूंगी फिर मेरी नाती पोतों को देना होगा। इसको अपने हाथ से रगड़िए, इसकी गर्मी से इसके बीच में एसेंस होते हैं, एक अपना तेल होता है वो निकलता है। हमने इसको पूरा लाल नहीं करना, जलाना नहीं है, सिर्फ खुशबू जो कच्ची है वो निकल जाए। अब इसके बीच में हम डालेंगे टमाटर। आज भी इसको माश की दाल बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो था आर्टिशिया, वो लॉस एंजलिस की सबसे फेमस इंडियन मार्केट। उस दिन पहली बार पता चला था कि जब थकते हैं ना कुछ करने के बाद, वो थकावट सरूर बनकर नाचती है। ये काबली चने हैं, इनको ओवरनाइट सोक करके अगले दिन सूखे आंवले, अगर आपके पास आंवले नहीं है तो आप चाय पत्ती का टी बैग डाल सकते हो। आंवला थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, टी बैग को आप हेल्दी नहीं बोलोगे, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टी बैग डाल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टी बैग के साथ थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ ताकि टी बैग का कड़वा बनना है। अगर इसमें पानी रह गया तो आपके चने रावलपिंडी चने नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। इसमें हल्की सी कसर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरे गले होंगे तो मैश हो जाएंगे और हमें रावलपिंडी चने मैश नहीं करने। तो ये फ्राई पोटेटोज हैं, ये मिर्ची है जिसको हम भरेंगे अभी मसाले से, और ये अदरक के जूलियंस है, इस पर भी मसाला लगेगा। तो इसको हमने पानी को बिल्कुल सुखा देना है। मसाले बड़े बेसिक से हैं, इसमें पिसा हुआ अनारदाना, इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है भुना हुआ जीरे का पाउडर, जो इसमें फ्लेवर और कलर दोनों लेकर आएगा। हाँ, ये तवे पे भुना हुआ गरम मसाला पाउडर, ये सब कुछ आप हम अंदाजे से डाल सकते हो। अमचूर, तो अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये थोड़े खट्टे होते हैं। चना मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, घर में भी बना सकते हो, रेडीमेड भी ले सकते हो, उसमें वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी टाइम सेविंग के ऊपर है आपको कितना लेकर जाना है। ना सरसों का तेल जाएगा, नहीं रिफाइंड, सिर्फ वनस्पति जाएगा। इसकी जो तरी बनेगी वो इस घी से बनेगी, तो ये बिल्कुल जब धुआं उठेगा इसका तब हम इसमें डालेंगे। तो इसको गर्म होने के लिए इन द मीनवाइल रख देंगे। अब इसमें जाएगा नमक, मिर्ची आपको जितनी खानी है, आप तीखा खाते हो, सूखा धनिया, ये तड़ तड़ करना चाहिए। अब ये सारा मसाला हमने मिक्स करना है अपने हाथों से। हाफ जोन से होते हैं ना, मैं सोचती हूँ खाने में जान डाल देती हूँ। अब इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे सारा मसाला। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखोगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। तो ये जो मसाला आपका बना हुआ है ना, ये आप स्टोर करके भी रख सकते हो, ये कभी ख़राब नहीं होगा। इसको एक बार हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह मसाले को। इसके ऊपर भी हम ये मसाला डाल देंगे, इस मिर्ची में ये सारा मसाला भर देंगे अच्छी तरह, इसको ऐसे बंद कर देंगे, और इसको ये सब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और इसी का ही सारा फ्लेवर आएगा। ये जो अदरक है ना, ये अदरक ही इसी, देखिए इसमें कोई टमाटर नहीं है, कोई प्याज नहीं है। अब इसके ऊपर हम ये सब कुछ अरेंज कर देंगे ऐसे करके, इसको थोड़ा मिक्स कर लो, ये सब फैला दो अच्छी तरह। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा था। वो ऐसे ही सिखाते थे आपको जैसे? हाँ, ऐसे ही सिखाते थे, और डांट भी बहुत पड़ती थी अगर कुछ भी गलती होती थी तो। कस्तूरी मेथी डालने का एक तरीका होता है, ये आपने हाथ में लिया, इसको अपने हाथ से रगड़िए, इसकी गर्मी से इसके बीच में एसेंस होते हैं, एक अपना तेल होता है वो निकलता है। अब ये जो तेल है ना, अब ये तेल ऐसे डलेगा, घी, सॉरी घी, ये आवाज आनी बहुत जरूरी है। तो एक बारी आप इसको मिक्स कर लो अच्छी तरह, ताकि आपको अगर लगे कि और इसमें गुंजाइश है घी डालने की, इसमें और चाहिए, ये देखिए अभी इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। कलर कितना सही निखर, जैसे निखार आ गया ना। हाँ, ये शादी हो गई इसकी, अभी exactly, मेकअप हो गया, मेकअप हो गया इसका। वाह जी वाह, तो ये अदरक भी पक गई और ये मिर्ची का भी जो सारा फ्लेवर है गर्म घी डालने से, ये भी इसके ऊपर आ गया, देखिए। और छोलों का रंग बिल्कुल चेंज हो गया। वाह जी वाह, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने इसमें ऐसा कोई मसाला बनाया, आपके रोजमर्रा के मसाले हैं इसके बीच में। क्या बात है, ये आपके रावलपिंडी के छोले तैयार। आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा राइट नाउ, सीरियसली। खाना सरहदों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, रिश्तों का। आज खाने की वजह से आप और मैं सामने बैठे हूँ, ये खाना ही है जो करीब लेकर आए।
मेरे लिए खाना मेरा रब है। देखो हमारे फोर फादर्स पाकिस्तान से थे ना, हमने नहीं देखा वहां पर, जब भी जिनसे हमने सीखा, अपनी नानी के हाथ का खाया अपने, तो हमेशा ना एक चीज उनके मुंह से सुनते थे, हमारे वहां ना ऐसे पकाया जाता था, वो हमारा वहां, हमारा वहां ना, वो यहाँ सोते जाते वक्त सिर्फ एक ही चीज सोचती थी, हमारे वहां ऐसा क्या होता था। मैं 9 साल की थी जब मैंने खाना बनाना शुरू किया, और उस टाइम ये देखा जाता था कि माएँ बड़ा स्ट्रगल करती हैं, सारा दिन काम करती हैं, राशन की दुकानों से राशन लेकर आती हैं, गेहूं भी घर पे साफ होती है, कुछ नहीं था, ये गैजेट्स नहीं होते थे उस टाइम, आपके हाथ ही सब कुछ होते थे। तो मैं ये सोचती थी मैं अपनी माँ को आराम कैसे दूँ कि वो 2 घड़ी बैठ जाए, मुझे ये समझते ही हम एक एक कटोरी दाल सब खाते हैं, तो वो सोचा आज दाल बनाती हूँ, तो 5 कटोरी दाल बना दी, तो 1 कटोरी दाल भी जब फॉर्मेट होती है तो 1.5 कटोरी बन जाती है, तो मैंने 5 कटोरी दाल पतीले में डाल के बना दी, तो वो तो पतीला भर गया दाल का। फिर आटा गूंदना शुरू किया, पानी डालती गई, आटा डालती गई, तो इतना आटा हो गया, और पूरी किचन साफ कर दी, क्योंकि माँ को देखती थी काम कैसे किया जाता है, सिस्टम क्या है। अब जब मम्मी वापस आए तो मैंने बोला आपको खाना नहीं बनाना, मैंने बना दिया। पहले तो उन्होंने मेरा कद देखा, और वो जो किचन में गए उन्होंने देखा, कहते बेटा किसकी बारात आई थी जो इतनी दाल बनाई, तो रोना निकल गया, क्योंकि उम्मीद थी कि ऐसे होगा, पर वो माँ थी, उसने देखा वेस्टेज बहुत हुई है। मैं आज जो भी हूँ, आगे जो भी होंगी, अपने गुरु अपने पिताजी की वजह से होंगी। तो उन्होंने बोला दुनिया जो खाना बनाती है ना बेटा, दाम के लिए बनाती है, हमारा मजहब खाना दीन के लिए है, तो अपने खाने में ना दाम मत लेके आइयो, दीन लेकर आइयो। समझ नहीं थी 9 साल की उम्र में ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स को सुनने, पापा दीन क्या होता है, कहते दाम कमाया जाता है, दीन अपने आप चल के आपके पास आता है, तो दीन किसी को खिला बनाकर। उस दिन से सिर्फ एक चीज सोच ली कि खाना बनाना है ना तो खिलाना है। वो क्या करते थे, उनके पास एक तरीके का स्पैचुला होता था, उसे टक 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 करते थे, तो हम तो तवा बोलते हैं ना, वो कटाकट बोलते हैं उसको। आज भी आप पाकिस्तान की पुरानी जगह पे जाएंगे, लाहौर जाइए, इस्लामाबाद जाइए, तो आपको बोलेंगे कटाकट खाने के लिए चलना है, तो वो कटाकट कट 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 की आवाज आ रही है जब, तो जो तवे का फ्लेवर है ना वो सबसे यूनिक फ्लेवर होता है। ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहो तो मक्खन में डाल सकते हो, इसके बीच में अदरक है, हाँ इसके बीच में अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन है, ये बोनलेस चिकन के पीसेस है, और ये मैंने थाई पीसेस लिए हैं, ब्रेस्ट पीस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ड्राई होते हैं, उनमें जूस नहीं होता। इसमें दही है, अदरक लहसुन डाला हुआ है, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस। ये मैंने अर्ली मॉर्निंग किया था, तो देखिए इसमें कोई पानी नहीं आया, इसका दही अभी तक वैसे का वैसे ही है, तो ये टेस्ट देगा आपको, तो इसका मतलब अभी भी जूसेस जो उनसे मीट के वो अंदर ही हैं उसके। हमने इसको पूरा लाल नहीं करना, जलाना नहीं है, सिर्फ खुशबू जो कच्ची है वो निकल जाए। अब इसके बीच में हम डालेंगे टमाटर, अब इसके बीच में वही बेसिक चीज़ें जाएंगी, नमक, तो नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला तो थोड़ा ध्यान से डालना है हमने, लाल मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कितना तीखा खाना चाहते हो कितना नहीं खाना चाहते हो, सूखा धनिया। अब लोग बोलेंगे ना ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें दालचीनी है, लौंग है, गरम मसाला है, बेसिकली घर का बना हुआ। अब इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है, बस ये जज हो जाए जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये जले ना, बस इतना कि हमारे टमाटर गल जाए और मसाला जो उनसे अच्छी तरह भुन जाए। अभी हमारा जो चिकन है इसको हम इसमें डाल देंगे। मैं पता है किस चीज की वेट कर रहा हूँ, चिकन को पकने में टाइम लगता है। हाँ जी, कितनी देर आप तवे पे उसको कुक करोगे, मैं वो वेट कर रहा हूँ। वो आप देखिए, क्योंकि ये सारा जो सा गेम होगा ना ये मैरिनेशन का है। अब चिकन अपना पानी छोड़ेगा, दही अपना पानी छोड़ेगा, किसी भी तवे वाली जगह पे जाएंगे तो वही आवाजें जरूर निकलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ अपनी तरफ अट्रैक्शन होती है उनकी कि आइए हमारे पास ये चीज मिलती है। बस अब इसको हम धीमी आंच के ऊपर बिल्कुल छोड़ देंगे, इसके ऊपर डलेगी अब मेन चीज कस्तूरी मेथी, वो भी आपका डालने का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये एक्चुअली में इसकी जितनी गर्मी होती है ना मेथी की, वो सारी बाहर निकाल कर ले आती है। अब इसको हम ढक देंगे, अब ये बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकता रहेगा,
शादी होने के बाद थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। मैं कुछ करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई। मैं तालीम ख़त्म हो चुकी थी, ज़िंदगी एक अजीब सी लाइन के ऊपर आ चुकी थी। कुछ करने की एक शिद्दत आई कि नहीं अब करना है, तो अपने हस्बैंड को बोला भाई अब बस हो चुका। तो यहाँ जनकपुरी के बीच में डिक्सी सेंटर के बीच में हमने रेस्टोरेंट खोला, नाम रखा रावल पिंडी, क्योंकि मेरे फोर फादर्स रावल पिंडी को बिलोंग करते थे। और पिंडी का जो खाना था, रावल पिंडी का खाना कहते हैं, वो रईसों का खाना होता था। काम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि एक शेफ़ और रखना पड़ गया, चार बंदे और रखने पड़ गए, पर काम नहीं मुकता था, क्योंकि वो एक कमर्शियल हब था जहाँ पर मेरा रेस्टोरेंट खुला था। मंजिल ऐसे लग गई कि मेरे पास आ रही है चलकर। इन द मीनवाइल मेरे बेटे का मेरे को फ़ोन आया कि आई नीड यू मॉम। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, बोलता है मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, अब आ जाओ। फिर एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। यहाँ जड़ थी मेरी, यहाँ अपने थे, वो बेगानी धरती थी, बेगाने लोग थे, ABCD नहीं पता थी। मैंने उसको बोला मैं चार्ट स्टेशन संभालूंगी। मैं तवा लेकर आ गई, मैं वो ठंठन लेकर आ गई जो वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें मिलता नहीं था, वो गैर कानूनी था वहां पर। बट हमने थोड़ी सोर्स लड़ाई तो हमको वीकेंड के बीच में वो मिल गया। वो चाट इतनी बिकनी शुरू हो गई कि मैं सुबह 11 बजे चाट बनानी शुरू कर दी थी, तो रात के 11 बजे तक मैं सिर्फ चाट बनाती थी। वो था आर्टिशिया, वो लॉस एंजलिस की सबसे फेमस इंडियन मार्केट है, पाइनियर रोड के ऊपर, रसभोग के नाम से रेस्टोरेंट था। वहाँ पर जो चाट मिलती थी, वो लोग क्या करते थे, पैक हल्दीराम के गोलगप्पे, पैक चीज़ें होती थी, मैंने वो सब हटा दिया। जो बनेगा ताज़ा बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हम पैक लेकर रहेंगे। पानी पूड़े भी खुद बनाएंगे, पानी भी खुद बनाएंगे, आलू भी हमारे उबलेंगे, टिक्की भी हमारी बनेगी, पापड़ी भी हमारी बनेगी, सौंठ भी हम बनाएंगे। फिर भेलपूड़ी आ गई। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो सोचा अब खाने में लेकर आते हैं कुछ खाना। 14 तरीके का सब्जियां बफे में लगती थी जो मैं रोज़ खुद बनाती थी एक हेल्पर के साथ। फिर काम बहुत चल पड़ा। मेरे वहाँ जाने के बाद 4th of July आया था, मुझे आज भी याद है, एक दिन में मैंने $5,000 कमाए थे सिर्फ चाट बेच कर। और आर्टिशिया के मेयर ने मेरे ऑनर के बीच में शैंपेन खोली थी कि चाट बिकी है $5,000 की। उस दिन पहली बार पता चला था कि जब थकते हैं ना कुछ करने के बाद, वो थकावट सरूर बनकर नाचती है। यह है राड़ा मीट, क्योंकि इसको प्रिपरेशन से लेकर मैरिनेशन से लेकर 3 घंटे लगते हैं, और ये बिल्कुल स्लो कुक पे बनता है, और इसमें विसल नहीं लगती, ये सिर्फ भुनाई भुनाई में ही पकेगा। तो जो भी काम है आपके हाथों को, और ये देखिए ये कितना भुना गया है, ये देखिए ये नीचे तक ये लाल हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं आप, तो ये लगना बहुत ज़रूरी है। ये राड़ा मीट की पहचान है कि जब तक तले से चिपका नहीं तब तक इसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा। ये सरसों के तेल में पकेगा। नॉर्मल रेसिपी है, इसमें खड़े मसाले डालने हैं सरसों के तेल के बीच में, जिसमें तेज पत्ता, मोटी इलायची, छोटी इलायची, 2-3 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का। ये सब जब गर्म हो जाए तो इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ, हाथ से कटा हुआ प्याज डालना है। आपको कोई ग्रेट नहीं करना, कद्दूकस नहीं करना, क्योंकि जब आप ग्रेट और कद्दूकस करोगे तो पानी निकल जाएगा। हमें नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, उसमें स्वाद चाहिए। फिर जब आपका प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए, उसमें अदरक और लहसुन डालिए, हरी मिर्च डालिए, जब वो अच्छी तरह भुन जाए फिर टमाटर कटे हुए डालिए, फिर टमाटर भूनिए, फिर टमाटर के साथ नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, इसके अलावा कोई तीसरा मसाला नहीं है इसके बीच में। और दही में मैरिनेट किया हुआ कम से कम 5 घंटे मटन डल जाएगा। फिर उसको आप धीमी आंच में पकाते रहो, जब तक मटन खुद पककर बाहर नहीं आएगा तब तक आपने, इसमें पानी की एक बूंद नहीं है, ये मटन अपने ही जूसेस में पका हुआ है। अगर आपने आर्टिफिशियल पानी डाल दिया इसका स्वाद खत्म हो जाएगा। ये देखिए अब तेल आ गया ना बच्चे ऊपर, मतलब ये परफेक्ट गर्म हो गया। तेज पत्ता डाला हुआ है? हाँ जी। तो घी, तेल, घी जो भी आपने डाला है वो सेपरेट होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने इसीलिए पूरा नहीं किया था ताकि मैं आपके सामने इसको फाइनल टच दे सकूं। ये हाँ जी, हाँ, तो इसका मतलब मसाला अच्छा भुन गया आपका। अब ये जो रोगन डालती है, क्यों डालते हैं ऊपर से जो रोगन, वो इसीलिए कि गैस बचता है, टाइम बचता है, बस पका दिया ऊपर से वो रोगन डाल दिया। घर में जब हम लोग ये खाना बनाते हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे को नेचुरल चीज़ रखनी है। और मैंने अपने रेस्टोरेंट में भी कभी रोगन ऊपर से इस्तेमाल नहीं किया था,
वहाँ पे हर 30 मिनट के बाद आपको एक पैरामीटर दिया गया होता है, अगर आपके खाने का टेम्परेचर इतना चला गया ना, आप उसको ट्रैश करो। वहाँ हेल्थ बहुत मैटर करती है, वहाँ के सिस्टम्स अलग थे। एक बार हमारी गोभी बच गई, गोभी नहीं बिकी, बेटा बोलता ट्रैश करो। मैंने बोला यार खाना कूड़े में फेंकना नहीं, बहुत है जिनको खाने के लिए तरसते हैं लोग। तो हम $4.50 का वेजिटेरियन कॉम्बो देते थे, जिसमें दो सब्जियां होती थी, चावल होते थे, एक नान होता था और एक रायता। 8 बजे हमारा काउंटर बंद होने शुरू हो जाते थे, तो मैंने क्या किया, 7 बजे ना अनाउंसमेंट करा दी कि 7 बजे से इंडियन खाना जो है $2 में मिलेगा। तो खाना व्यस्त नहीं हो रहा ना, जब चीप हुआ तो वो लोग भी लेना शुरू हो गए जो $8 नहीं अफोर्ड कर पाते। तो मेरे लिए खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए था, किसी के पेट में जला जाए। एक बारी गलती से क्या हुआ, मंडी से करेले आ गए। बेटा बोलता करेले गलती से आ गए मम्मी, यहाँ करेले नहीं खाते गोरे। मैं कहा अगर मैंने गोरों को करेले खिला दिए तो क्या होगा। कहता कोशिश करो। तो मैनेजर मैक्सिकन थे, वो आए तो बोलते हैं रीना ओके सो यू वॉन्ट टू डू अ टास्क ऑन द बिटर गोड। आई वॉज लाइक या ओके, अगर तू जीतती है तो व्हाट डू यू वॉन्ट। मैं कहा आई विल बी टेल यू लेटर, फर्स्ट आई वॉन्ट टू डू अ टास्क। मैंने करेले बनाए, बफे पे लगाए, फ्लेयर लगा दिया फॉर शुगर पेशेंट्स। आधे घंटे के अंदर वो बफे खाली हो गया। वो ईरानी बैंगन बहुत खाते थे, वो बादन जून बोलते हैं बैंगन को, बैंगन उनके लिए नेशनल डिश है। तो मैं देखती थी यार इनके बैंगन में नमक नहीं, मसाला नहीं, मिर्च नहीं। मैंने बैंगन लगा के बेचने शुरू कर दिए। वो बिरयानी वहाँ से लेते थे, बैंगन मेरे यहाँ से लेते थे, बोलते थे इंडियन बादन जून इज बेस्ट। तो वो बोलते थे इसमें क्या है, मैं बोलती थी प्यार। वो बोलते थे कहाँ से आया, मैं बोलती थी यहाँ से आया। लोग बोलते हैं ना इंग्रेडिएंट्स को नापो चम्मच से, मैंने नहीं सीखा हाथ। ये छटांक है, ये आधी छटांक, ये पूरी छटांक, ये समझ में आता, यही सीखा था, डाल दिया फैला दिया। पिंडी में और पाकिस्तान में आज भी इसको माश की दाल बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो गरीब गरबा लोग थे जो मीट मांस नहीं खा सकते थे वो ये दाल बनाते थे। तो इसका जो स्वाद था ना एग्जैक्टली कीमा की तरह और रोगन जोश की तरह होता था, क्योंकि इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल मीट की ही तरह है। इसको पहले भिगोया जाता है, इसको भी ये देखिए खड़े मसालों में बनाया जाता है, इसमें भी पूरा तेज पत्ता डलेगा, लौंग डलेगी, दालचीनी डलेगी। जितने मसाले मैंने रोगन जोश में बर्रे में डाले हैं ना, ये उतने ही मसाले इस दाल के बीच में भी डले हैं, ये उतने। और ये इस दाल की सबसे अच्छी पहचान ये है, जब आपने ये दाल बनाई है ना, इसका जो दाना है ना वो मशीन ही होना चाहिए, देखिए वो खड़ा होना चाहिए। हर पंजाबी घर के बीच में आप जो देखेंगे वो दाल का टेक्सचर ये होगा, एक एक दाना, तो दाना नहीं हिलना चाहिए। तो इसको इस दाल में बनाने का सबसे अच्छा जो एक टफ पॉइंट आता है ना वो पानी है, कि इसका पानी का रेशो कितना होना चाहिए। अगर इसमें पानी का रेशो ज़्यादा हो गया ये मशी हो जाएगी। पहले दाल को भिगो के रख दिया, फिर तड़का लगाया और दाल को तड़के के साथ पकाया। इसमें भी तेल ही है, पानी नहीं है। इसमें मैंने उतना ही पानी यूज़ किया जितना इसको सोक करके रखा था, दैट्स इट। जैसे हलीम की गार्निश होती है ना, बिल्कुल सेम गार्निशिंग इस दाल की भी वैसी ही होगी। ये हलीम की तरह हरी मिर्च, अदरक के लच्छे और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। वाह, ये धनिया मेरी फेवरेट है, मतलब इससे। अरे इसके ऊपर नींबू निचोड़ कर, मेरा गला खराब था तो मैं नींबू नहीं लेकर आई। एक रेस्टोरेंट, दो रेस्टोरेंट, 3 साल में 3 रेस्टोरेंट। उन 3 रेस्टोरेंट को भी चलाने का, सुबह 5:30 बजे हम लोग अपना ट्रक लेके मंडी जाते थे। हम लोग होम डिलीवरी नहीं कराते थे सब्जी की, हम अपने हाथों से सब्जी खरीदते थे, मंडी जाते थे डाउनटाउन। तो मेरा 3 जोसा होता था सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाता था ट्रक लेके मंडी जाना। एक आंधी आती है जो आपको सब कुछ देती है, फिर जब वो आंधी और तूफान चला जाता है, एक जलजला छोड़ जाता है, वो जलजला भी आ गया, सब सब चला गया। मेरे को पैसा जाने का, काम जाने का दुख नहीं था, वो मेरी बेटी की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ था जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। अगर मैंने खोया तो उसने बहुत कुछ खोया। मैं आज सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि लोग बोलते हैं कि माँ बाप के बिना औलाद कुछ नहीं होती, औलाद के बिना भी माँ बाप कुछ नहीं होते। औलाद सरमाया देती है आपको, सहारा देती है आपको। उसने मुझे एक
होम शेफ से उठाकर वहां पहुंचाया था जहां मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो जब मेरा सब कुछ गया तो मुझे वो दुख नहीं था, लेकिन जब उसका गया तो मैं टूट गई थी। मैं जब यहाँ पर आई तो हमारी फैक्ट्री सील हो गई, दिल्ली में जब सीलिंग शुरू हुई तो वो सील हो गए। देख मर्दानिया रंग कर तार दे, वो हर रंग दिखाता है, और मैं हर रंग में राजी थी। मुझे दुख और तकलीफ सिर्फ इसलिए था कि मेरा बेटा, मेरी औलाद उसके बीच में सफ़र हो रही थी। फिजिकल चेंजेस ने मुझे बहुत ख़राब कर दिया, मेरे पैर ख़राब हो गए क्योंकि इतना खड़ा हो के काम कर रहे थे। प्लास्टर लग गया, पैर की हड्डियाँ टूट गई थी, प्लास्टर लग गया, मैं तब भी कुकिंग कर दी। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अब आप खड़े होकर काम नहीं कर सकते। तो मैंने बोला अगर मैं काम नहीं करूँगी मैं मर जाऊँगी, मुझे कुछ हो जाएगा, तो खाना तो बनेगा। वो जो नसों में खून की जगह खाना दौड़ रहा था ना, वो मेरी आखिरी दम तक दौड़ना चाहिए। एक अचीवमेंट अभी हासिल करनी है ज़िंदगी में, वो है फूड ट्रक। वो नहीं जाएगा, मैं मर भी जाऊँगी ना, नहीं जाएगा, तब भी मेरे साथ जाएगी वो एक चीज़। मैं खोलना चाहती हूँ वो अपने लिए, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे किसी का पेट भरे, चाहे वो मुझे पैसे ना भी देकर जाए। पता है जब आप किसी को खिलाते हो ना और वो आपको मुस्कुरा कर देखता है, वो मिलियन डॉलर्स आते हैं आपके उसमें, आपका खजाना भर जाता है। और फिर जब वो ऐसा होता था ना, मैं खुद शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को बोलती थी, यू डिड अ गुड जॉब। मेरे लिए मेरी खुशी, मेरा दुख, खाना, उसकी खुशबू, वो उठता हुआ धुआं मुझे बहुत कुछ बोल जाता है। मैं भूल जाती हूँ जिंदगी में, कभी ये नहीं सोचती मैंने क्या गवाया, मैं सोचती हूँ मैंने जो गवाया तो उससे क्या पाया। आज अगर मेरे को बोले मेरे पास वसीयत में क्या अपनी औलाद को देके जाने के लिए, तो अपनी सारी रेसिपीज दे जाऊँगी, बोलूँगी फिर मेरी नाती पोतों को देना होगा, वो खाएं, और जब वो खाएं तो मेरे बच्चे बोले नानी ऐसा बनाती थी, दादी ऐसा बनाती थी। सच है, दिखावा नहीं है, स्टोरी टेलर है। आप लोगों के जज्बातों को बाहर लेकर आते हो, जो बहुत ओका काम है। जज्बात पता है कैसी चीज़ होती है? अनबोल। आप मेरे पास बैठे हो ना, मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन से जज्बात चल रहे हैं। मेरी औलाद मेरे पास बैठी होगी, मेरे को नहीं पता उसके जज्बात, क्या बाहर ले आते हो उसको। ये भी हुनर है, ये भी एक शफा है, इस हुनर को मरने मत देना कभी। ये जो आप स्टोरीज, ये जज्बात बाहर लेकर आ रहे हो ना, बहुतों का फ़ायदा करेंगे। मुझे नहीं पता आप यहाँ से दाम कमाओगे या नहीं, दिन ज़रूर कमा के लेकर जाओगे। वो हर माँ की कहानी जो बाहर आ रही है ना लफ्जों में, वो हर औरत की जो स्ट्रगल बाहर आ रही है, वो फैला रहे हो आप। बाकी लोगों ने रायता फैलाया हुआ है, आप जज्बात फैला रहे हो, फैला दो, बहुत काम आएंगे। यकीन मानो ये एक मोटिवेशन है। बहुत सारे चैनल्स थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, नहीं किया, सच्चाई नहीं मिल रही थी कहीं पर, कुछ अपना नहीं मिल रहा था, देखना चाहती थी अपने आप को आर पार। आज देखा, आज जज्बात निकल कर बाहर आ गए, दबे हुए थे अंदर। पंख दो। अगर आप आपके माँ बाप के पास कुछ सपने हैं ना, उन हर औलादों को बोलूंगी माँ बाप को पंख दे दो, उड़ने दो। और अगर औलादों के पास सपने हो तो माँ बाप को बोलूंगी पंख दे दो, उड़ने दो। स्काई इज नो लिमिट, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विंग्स, स्काई इज नो लिमिट, यू कैन फ्लाई फार अवे, छू सकते हो आसमान। ये है जी माश की दाल, और ये भुना मटन है, ये भी टेस्ट टेस्ट करेंगे। ये चांदनी ने बनाया जी स्पेशल तिकोना पराठा, समोसा पराठा, तिकोना पराठा, लुक्स लाइक समोसा, ओके, बट इट्स तिकोना पराठा, परफेक्ट। सो ये है जी तिकोना पराठा, खस्ता तिकोना पराठा, खस्ता तिकोना पराठा। ये है जी चिकन कटाकट, एंड ये है वो मेन चीज, मतलब ओए होए 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 यार, ये जो बन रहे थे भाई साहब, धुएं देखे थे क्या सही निकल रहे थे तेल में से, ये इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मैंने मेकअप वाले जो होते हैं ना, मेकअप वीडियो जो बनाते हैं, उनसे मैंने सीखा ये। ये देखो, फोकस कराने के लिए हाथ रख लो। सो ये है माश की दाल और साथ में खस्ता तिकोना पराठा। आपको लगा है ना ये मीट जैसा स्वाद है? और सर्व करने का स्टाइल है, जो नेक्स्ट बाइट है वो हम लेने वाले हैं फटाफट चिकन के साथ। एंड ये जो बन रहा था ना भाई,
किचन में इतनी वो मतलब इतना एक्शन एक घर की किचन में मैंने नहीं देखा, तो शी इज डेफिनेटली अ मैजिशियन। और हजे भी नहीं कीता ब्रावा तुम कर ला यार। ये देखो ये बाइट है, खटाखट चिकन एंड साथ में खस्ता तिकोना पराठा। वाह इट्स लाइक अ कंकॉक्शन ऑफ ऑल दीज मसालेज दैट शी यूज्ड। बहुत बढ़िया, मतलब मैं बहुत किस्मत वाला हूँ और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो किसी परिवार वाले के घर का खाना खाना, दिस इज लाइक मैजिकल। बहुत बढ़िया राड़ा मटन एंड साथ में सेम पराठा, बिकॉज मुझे चांदनी ने बोला है यू हैव टू फिनिश द पराठा, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इसका मैरिनेशन का है सब कुछ, सारा जादू मैरिनेशन का है। ये बहुत ज़्यादा प्यार से बनाई हुई चीज़ें, तो मेरी हैसियत नहीं है यार इसको रिव्यू करने की, खा रहा हूँ मज़े से, सीधी सी बात है, बहुत स्वाद है। एक बहुत बड़े शायर हैं पंजाब में, उनकी एक कविता याद आ गई, वो कहते हैं जट का मुकाबला दस मैनू किथे है नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी है नहीं मेरे मुकाबला है नहीं। ओहो रावल पिंडी छोले, मुझे ना देखना था कि शुरू से लेके एंड तक कैसे बनते हैं। ये तो ऐसे ही खा सकते हैं, इसके लिए रोटी की जरूरत नहीं है, बहुत स्वाद है। ओहो एंड दिस इज नॉट इवन लाइक रावलपिंडी छोले जो मैंने पंजाब में खाया, वो बहुत ज़्यादा मिर्ची और ये सब वाले होते हैं, ये चटपटे हैं एकदम।